नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडोल मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाइसल सिग्नल कम स्किनर बनाया और उसी का थ्रू मैं आप लोग को रेगुलर व्यू देता हूँ। तो कल के लिए मतलब 28 जनवरी 2020 के लिए मैंने ये स्टॉक चुना है मेरा स्क्रीनिंग करके, मेरा फाइल से स्क्रीनिंग करके। तो इसका व्यू आप लोग को दिखाऊंगा, तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए। इसमें मैंने बाय लेवल सेल लेवल तीनों बाय लेवल सेल लेवल रहता है, बाय सेल लेवल 1, 2 और 3 और 100 डे ईएमए का स्ट्रेटेजी दिखाऊंगा और इनसाइड द वार ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और कैंडलस्टिक फॉर्मेशन दिखाऊंगा, इन एफ4 एन एस7 फॉर्मेशन भी दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग को ये इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी और फ्यूचर्स मैंने दिखाता हूँ, बाय लेवल एंड सेल लेवल पिवट पॉइंट ये सब दिखाता हूँ। तो और निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन मैंने रेगुलर बेसिस पे देता हूँ, वो भी आप लोग को मिल जाएगा। और बहुत सारा चार्ट का सेटअप है वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा, और बहुत सारा चार्ट स्ट्रेटेजीज एंड टेक्निक्स है वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ये फाइल कैसे स्क्रीन करना है और कैसे मोस्ट इफेक्टिवली यूज़ करना है, ये सब के बारे में भी वीडियोस है, वो आप लोग को देख लेना बहुत ही जरूरी है। तो और ये फाइल मैंने ताकि आप लोग को ये फाइल मैं समझ में आ जाएगा। और इसका इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो सकता है। तो इसका फाइल मैंने रेगुलर बेसिस पे शेयर करता हूँ और इसका पेड सर्विस में व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोग भी डाल के लिए ज्वाइन हो सकते हो। उसका लिंक यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसका सैम्पल फाइल का लिंक डाउनलोड करने का लिंक भी आप लोग को यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारा लिंक है जो आप लोग को देखना जरूर देखिएगा। तो आप लोग को मेरा ये यूट्यूब चैनल पे क्या क्या है और कैसे क्या 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 रहता है आप लोग को समझ में आ जाएगा, और आप लोग को ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। देखिए मेरा बाय सेल लेवल 1, ये एक सेट बाय लेवल एंड सेल लेवल है। तो इसका पहले दिखाता हूँ, बाई बाई का एंट्री लेवल बीच में रहेगा, टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएँ तरफ रहता है और टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 दाएँ तरफ रहता है। सेल का भी ऐसा ही है, टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएँ तरफ और टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 दाएँ तरफ एंट्री लेवल बीच में है। और इसमें आप लोग को गैप अप और गैप डाउन को कंसिडर कर लेना है। सोच लीजिए ये 194 के ऊपर खुला है, लेकिन 1 1 93 32 के ऊपर आप लोग को ये नज़दीक है, इसलिए 134 32 के ऊपर ही आप लोग को लेना है। इसमें ये टारगेट के लिए, उसके बाद इस टारगेट के बाद ये टारगेट आएगा। आप लोग इस टारगेट के ऊपर एंट्री लेंगे तो इस टारगेट आएगा, मार्केट कहाँ पर ओपन हो रहा है आप लोग को देख लेना पड़ेगा। और मैंने भाई से लेवल 2 दिखाता हूँ, सॉरी यह है भाई से लेवल 2, भाई का अब लेवल बीच में रहेगा, टारगेट सॉरी बाई तरफ रहेगा, टारगेट 1 टारगेट 2 टारगेट 3 दाएं साइड रहेगा, स्ट्रेट वे रहता है ये। और इसके बाद भाई से लेवल 3 दिखाता हूँ, यह वैसे लेवल थी, इसका R1 बाय का एंट्री लेवल है और S1 सेल का एंट्री लेवल है। और ये स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट, ये आप लोग नोट कर सकता है, ये भी एंट्री पॉइंट हो सकता है। बुलिंजर बैंड का मिड बैंड, अपर बैंड और लोअर बैंड भी नोट कर सकता है, ये भी एंट्री लेवल हो सकता है। प्राइस चैनल का अपर बैंड मिड बैंड लोअर बैंड का लेवल नोट कर सकता है, ये भी एंट्री पॉइंट हो सकता है बाय और सेल का। और ट्रिगर लेवल का भी आप लोग नोट कर सकता है। मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल दिखाऊंगा, इसका पिवट पॉइंट बाय लेवल सेल लेवल 1 2 3 जो आप लोग को बहुत ही काम पे आएगा। लाइव मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी को इंडेक्स और फ्यूचर्स को ट्रैक करने के लिए ये स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट, बोलिंजर बैंड, प्राइस चैनल का वैल्यू वैल्यू और टिकल लेवल। उसके बाद मैंने कमोडिटी का दिखाता हूँ,
कमोडिटी का दिखाता हूँ। तो इसमें देखिए कमोडिटी का दिखाता हूँ। कमोडिटी का भाई लेवल से लेवल 1, 2 3 पॉइंट। अब लोग वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। और कुछ रह गया उस फीचर्स का लेवल दिखा देता हूँ। ये भाई से लेवल 1 ही दिखाऊंगा। और इसके बाद मैंने 100 डे ईएमए का स्ट्रेटेजी दिखाऊंगा कुछ स्टॉक्स का। देखिए अदानी पोर्ट में ये 100 डे मूविंग एवरेज को मूविंग एवरेज आज का कैंडल का अदानी पोर्ट का काट किया है। तो इसका बाय सेल लेवल जब इसका हाई लो जब तोड़ेगा तो इसका अच्छा मूवमेंट देता है। तो ये आप लोग को दिखाता हूँ। मेरा परफॉर्मेंस वाला वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। मैंने दिखाता हूँ स्टॉक्स को काट करता है। तो उसका हाई लो जब नेक्स्ट डे में ब्रेक करता है, देखिए इधर काट के आए तो ये जब ब्रेक करता है तो अच्छा मूवमेंट मिलता है। उसके बाद मैंने देखिए इधर ऑटो फार्मा, इधर बजाज ऑटो और BPCL, इसमें भी फॉर्म हुआ है। तो आप लोग खुद चेक कर सकता है 100 डे में काट किया है कि नहीं किया है। तो मैंने दिखाऊंगा तो और भी कुछ दिखाने नहीं पाऊंगा। और इधर देखिए इंसेंट दबार 1 डे का हिसाब से ये बाजा 3 से बना है, इन्हें 4 बना है, 2 डे का हिसाब से बर्ड स्पिन बना है, और इधर बना है, इधर इन्हें 4 7 बना है। इसको मैंने दिखाने का कोशिश करता हूँ बचपन सब। बचपन सब देखिए ये कैंडल का अंदर रह गया, मतलब इंसेंट दबार 1 डे का इसी 1 डे का इंसेंट दबार है, मतलब आज का कैंडल इस 1 डे का अंदर रह गया। तो इस कैंडल का हाई लो जब तोड़ेगा तो अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। और क्या दिखा था, 2 डेज का निकला है एक क्या है बेल बेल तो एक बार देख लेते हैं। देखिए 2 डेज का हिसाब से ये दोनों कैंडल इस कैंडल का अंदर रह गया, मतलब 2 दिन का आज का कैंडल 2 दिन का कैंडल का बीच में रह गया, ये भी बीच में रह गया। तो इसका हाई लो जब तोड़ेगा तो अच्छा मूवमेंट मिलता है। और इनर 4 इनर 7 तो आप लोग को शायद पता ही होगा कि जब हाई लो का रेंज सबसे कम होता है, अच्छा हाई लो जब आप लोग को दिखता है ये बहुत